नमस्ते दोस्तों, बच्चों को सब्जी रोटी तो बिल्कुल पसंद नहीं और पालक तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज कुछ हम बनाते हैं हेल्दी सा और बच्चों को भी जो बहुत पसंद आएगा, स्पिनिच कॉर्न चीज सैंडविच। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें डाला है 1 टेबल स्पून बटर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑयल अराउंड 1 टेबल स्पून के आसपास से, जिससे कि बटर हमारा नहीं जलेगा और इन दोनों को हम होने देंगे गर्म। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा और इसको हम बटर के साथ अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमें ये व्हाइट नहीं रखना, हमें ये लाइट ब्राउन करना है और हमने इसको अच्छे से पका लेना है। कंटिन्यूस इसको चलाते जाएं। ये देखिए मेरे को इसको भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें लूंगी 1 कप मिल्क। ये मैं 3 बार में डिवाइड करके डालूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारी कोई लम्स ना रहे। और मिल्क आपने इसमें धीरे धीरे एड ऑन करना है। अभी देखिए मैं सेकेंड टाइम इसमें और डाल रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमें एक पेस्ट सा बनाना है, इसकी सभी गांठें हमने फोड़ लेनी है, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके कभी लम्स पड़ भी जाए तो आप इसको छान लीजिए। ये देखिए हमारा अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अब मैं बचा हुआ मिल्क है वो भी इसमें ऐड ऑन करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने बहुत प्यार दिया और आगे भी इसी प्यार की उम्मीद है। अब ये देखिए हमारा एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप कॉर्न। ये मेरे फ्रोजन कॉर्न है, नहीं तो आप इनको बॉईल करके डाल सकते हैं। और इसको हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पिज्जा सीजनिंग और 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हूँ। हम इसको लगातार चलाते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसमें साथ में हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, वो भी 1/2 टीस्पून। बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखिए अब इसको मिक्स कर लिया है हमने अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बॉइल्ड स्पिनिच, जिसको मैंने बॉईल किया है ठंडे पानी से वॉश करके, फाइनली चॉप कर लिया है और ये भी मैं इसमें कर लूंगी मिक्स। और इसको हम पकाएंगे जब तक ये हल्का सा थिक नहीं हो जाता। अब ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज ब्लेंड। आप चाहो तो कोई सा भी चीज क्यूब्स डाल सकते हो, पिज्जा चीज डाल सकते हो, मैंने इसमें ब्लेंड डाला है और इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। चीज मेल्ट होने के बाद आपने गैस को करना है ऑफ और इसको ठंडे होने देना है। अभी देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइस और इसमें मैं करूंगी स्टफिंग अच्छे से। जिस हिसाब से आपको स्टफिंग डालनी है इस पे आप लगा लीजिए। अब इसके ऊपर मैं एक ब्रेड स्लाइस और लगा लूंगी और इस पे हम लगाएंगे बटर, जिससे कि सैंडविच हमारा थोड़ा सा क्रंची बने। ये देखिए मैं अब बटर लगा रही हूँ और हम ग्रिलर को ऑन कर देंगे। ग्रिलर गर्म हो चुका है, मैं इसमें सैंडविचेस रख दूंगी। आप चाहो तो इसको तवे पे भी सेक सकते हो और इसको मैं बंद कर दूंगी। अब ये देखिए हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, कितना अच्छा ग्रिल हुआ है। तो चलिए अब इसको काटते हैं और सर्व करते हैं। देखिए कितना क्रंची सी का है।